नमस्कार, रांची ऑब्जर्वर में आपका स्वागत है। पूर्व में चार अंक प्रस्तुत की जा चुकी है, अब आपके सामने पांचवा अंक प्रस्तुत है। जानकारी बढ़ाएं, सजग रहें और धोखा खाने से बचें। यदि आप जमीन खरीदने की तैयारी कर रहे हैं या जमीन मकान खरीदना चाहते हैं तो यहां प्रस्तुत जानकारी आपके काम आ सकती है। जमीन के नाम पर विभिन्न प्रकार से हो रहे ठगी के शिकार होने से आप बच सकते हैं। जमीन लेने के पूर्व आपको जमीन के विभिन्न पहलुओं की जानकारी आवश्यक है, साथ ही उससे संबंधित संभावित विवादों का भी जानकारी होनी चाहिए। पूर्व में चौथा अंक में चर्चा में आई CNT एक्ट की धारा 49 उल्लंघन की बात। CNT एक्ट की धारा 49(5) के तहत अनुसूचित जनजाति की भूमि की वापसी का प्रावधान सरकार द्वारा किए जाने का है। CNT एक्ट लागू होने में चैरिटेबल ट्रस्ट जैसे हाउसिंग सोसाइटी, अस्पताल या अन्य कार्यों के लिए उपायुक्त को जमीन के हस्तांतरण की शक्ति प्रदत्त है। 49(2) में प्रावधान किया गया है कि जिस प्रयोजनार्थ जमीन का हस्तांतरण हुआ है उससे भिन्न उपयोग नहीं हो सकेगा। जिस प्रयोजनार्थ भूमि हस्तांतरित की गई है यदि उसके लिए 5 साल तक उपयोग नहीं होगा तो वह मूल रैयत या उसके विधिक उत्तराधिकारी को वापस हो जाएगी। इसके लिए पूर्व में हस्तांतरण संबंधी दी गई राशि भी वापस नहीं होगी। झारखंड सरकार ने फरमान जारी कर आदिवासी समाज की सभी भूमि को चिन्हित कर वापस आदिवासी रैयत को दिलाने का वैधानिक प्रयास कर रही है। राज्य सरकार 1932 से 2021 तक की अवधि में आदिवासियों की जमीन के अवैध हस्तांतरण का पता लगाएगी। इसके लिए भू राजस्व विभाग ने सभी आयुक्तों व उपायुक्तों को पत्र लिखकर CNT SPT एक्ट के प्रावधान के आलोक में 14 बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी गई। रिपोर्ट के सहारे सरकार यह जानना चाहती है कि वर्ष 1932 में आदिवासियों के पास कुल कितनी जमीन थी, अब कितनी जमीन है। पत्र में लिखा गया है कि CNT एक्ट 1908 की धारा 72 के तहत 1932 से 1947 तक की अवधि में आदिवासियों की कितनी जमीन का सरेंडर व सेटलमेंट हुआ। धारा 73 के तहत कितनी आदिवासी रैयतों ने टिनेंट छोड़ दिया। आज़ादी के बाद से अब तक उपायुक्त के आदेश से कितनी जमीन का सरेंडर व सेटलमेंट हुआ। न्यायालय के आदेश के आलोक में कितनी जमीन गैर आदिवासियों को हस्तांतरित की गई। CNT एक्ट की धारा 20 का उल्लंघन कर आदिवासियों की कितनी जमीन आदिवासियों को ही हस्तांतरित की गई। धारा 49 के तहत 1932 से 2021 तक कितनी रैयती व भूहरी जमीन का हस्तांतरण किया गया। इस अवधि में कितनी खुटकट्टी जमीन का हस्तांतरण किया गया। जमीन वापसी के लिए दिए गए आवेदनों के आलोक में कितनी जमीन आदिवासियों को वापस की गई और कितने आवेदन रद्द कर दिए गए। कर्ज नहीं चुकाने की वजह से बिहार उड़ीसा लोक मांग वसूली के प्रावधानों के आलोक में आदिवासियों की कितनी जमीन दूसरे लोगों को हस्तांतरित कर दी गई। मैं पुनः अगले अंक में आपकी जानकारी के लिए तथ्यों सबूतों के साथ वीडियो प्रस्तुत करूंगा। इससे पूर्व प्रस्तुत 4 अंक तथा यह अंक आपको कैसा लगा हमें बताएं। साथ ही यदि आपके मन में इस संबंध में कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। अगले अंक को भी अवश्य देखें, अपनी जानकारी बढ़ाएं, सावधान रहें, सुरक्षित रहें और मेहनत की कमाई को गंवाने से बचाएं।